जी हाँ दोस्तों, मुझे पता है कि Realme X3 सीरीज को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड और बेसब्री से वेट कर रहे हो इस सीरीज का। तो गाइस अब आपका इंतजार खत्म हुआ, Realme X3 ऑफिशियल लॉन्च कंफर्म हो चुका है 25 मई, और Realme X3 का फर्स्ट हैंडसन लुक भी सामने आ चुका है, साथ ही साथ बहुत सारे स्पेसिफिकेशन रिवील्ड हो चुकी है। तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, Realme X3 की बहुत सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो अगर आप भी जानना चाहते हो तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। हे गाइस, मैं हूं शिवम और आप देख रहे हो टेक हेल्पर शिवम यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और बात करते हैं Realme X3 सीरीज के बारे में। तो गाइस आपको बता दूं, Realme का अब तक का यह सबसे बड़ा लॉन्च इवेंट होने वाला है, बिकॉज़ इस लॉन्च इवेंट के अंदर आपको 8 नए प्रोडक्ट देखने को मिल जाएंगे। साथ में आपको Realme X3 सीरीज तो मिलेगा ही, साथ में आपको Realme TV, Realme पावर बैंक, ट्रू वायरलेस बर्ड्स और साथ में Realme स्पीकर्स देखने को मिल जाएगा, और साथ में स्मार्ट वॉच भी लॉन्च हो सकता है Realme की तरफ से। और दोस्तों यहां पर जो Realme X3 सीरीज होने वाली है ना, वहां पर आपको 3 स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे, जहां पर आपको Realme X3, Realme X3 Pro और Realme X3 सुपर जूम स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। और गाइस Realme के वाइस प्रेसिडेंट ने अपने वाइबो अकाउंट पर ऑफिशियल टीज करते हुए काफी सारी डिटेल्स शेयर की है, जहां पर Realme X3 का एक रियर पैनल के साथ एक लाइव इमेज भी शेयर किया है, जहां पर आप क्लियरली देख सकते हो कि अपकमिंग Realme X3 सीरीज की बैक आपको कैसी देखने को मिलती है। तो गाइस यहां पर काफी ज्यादा ग्लॉसी लुक के साथ एक बहुत ही कमाल का ग्लॉसी पैनल देखने को मिलता है बैक साइड से। और गाइस वाइबो पर पोस्ट ऑफिशियल पोस्टर के अंदर ये कंफर्म हो जाता है कि ये Realme X3 सीरीज का एक बैक पैनल देखने को मिलता है। और गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहां पर आपको 3 डिवाइस देखने को मिलेंगे, जैसा कि Realme X3 आपको स्नैपड्रैगन 765G चिपसेट के साथ देखने को मिलेगा, और साथ में Realme X3 Pro आपको स्नैपड्रैगन 865 के बिल्कुल लेटेस्ट 5G चिपसेट के साथ देखने को मिल जाएगा। और ये कंफर्म है कि Realme X3 Pro एक बहुत ही कमाल का और प्रीमियम लेवल का स्मार्टफोन होने वाला है, लाइक गेमिंग के लिए स्मार्टफोन बहुत ही ज्यादा कमाल का हो जाएगा। साथ में जो एक लास्ट स्मार्टफोन देखने को मिलेगा इस सीरीज के अंदर, एक नया स्मार्टफोन Realme X3 सुपर जूम, यहां पर आपको स्नैपड्रैगन 855 प्लस चिपसेट देखने को मिलेगा। और बेसिकली ये डिवाइस एक कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन होने वाला है, जहां पर माधव सेठ ने कंफर्म कर दिया था कि Realme X3 सुपर जूम के साथ आपको 16x का जूम देखने को मिल जाएगा। साथ में यहां पर एक बहुत ही कमाल का फीचर देखने को मिल जाएगा, जो कि होगा स्टेरी मोड, जिससे आप नाइट के टाइम मिल्की वे शॉट्स भी ले सकते हो, बहुत ही कमाल के कैप्चर हो जाते हैं। और गाइस यहां पर जो फोटो आप देख सकते हो, उन्होंने लाइव पोस्ट किया था, उसके अंदर बहुत ही कमाल की डिटेलिंग देखने को मिलती है स्टेरी मोड से। तो गाइस मैं कहूंगा Realme X3 सुपर जूम एक बहुत ही कमाल का कैमरा स्मार्टफोन होने वाला है, और गाइस आप इसका वेट कर सकते हो अगर आपको एक कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन चाहिए तो। और गाइस Realme इस सीरीज के अंदर 3 नए स्मार्टफोन इसीलिए लॉन्च कर रही है ताकि अलग अलग प्राइस के अंदर अलग अलग वर्ग के हिसाब से इसे बाय कर पाए यूजर्स। और गाइस Realme X3 की बात करें तो यहां पर आपको स्नैपड्रैगन 765G चिपसेट देखने को मिलता है, तो ये मिड रेंज के अंदर एक बहुत ही कमाल का डिवाइस हो जाता है, यहां पर आप गेमिंग या फिर मल्टीटास्किंग आराम से कर पाओगे। Realme X3 Pro की बात करें तो ये बहुत ही कमाल का डिवाइस और बहुत ही फ्लेक्सिबल डिवाइस होगा, जहां पर आपको स्नैपड्रैगन 865 का 5G चिपसेट देखने को मिलेगा, और यहां पर जो स्पेसिफिकेशंस होगी हायर वेरिएंट होने वाली है, तो यहां पर आप गेमिंग या फिर मल्टीटास्किंग बहुत ही आराम से करने वाले हो। लेकिन Realme X3 सुपर जूम स्मार्टफोन होगा, स्नैपड्रैगन 855 चिपसेट के साथ आएगा, तो आप समझ सकते हो कि यहां पर इसका मेन हाइलाइटिंग पॉइंट प्रोसेसर नहीं है, यहां पर इसका मेन हाइलाइटिंग पॉइंट होता है इसका कैमरा। तो Realme X3 सुपर जूम के अंदर आपको कमाल की कैमरा कैपेबिलिटी देखने को मिल जाएगी, लाइक जैसा कि मैंने बताया कि 16x जूम देखने को मिल जाएगा, साथ में आपको बहुत सारे कैमरा के अंदर फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। लेकिन गाइस अगर कुछ और स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इस लीक इमेज के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि यहां पर आपको 3.5mm का ऑडियो जैक नहीं दिया जाएगा, जो कि मुझे लगता है बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट करने वाला है। लेकिन गाइस यहां पर आप इस इमेज के अंदर ये भी देख सकते हो कि साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट नहीं देखने को मिलता है, तो ये कंफर्म हो जाता है कि इस स्मार्टफोन के साथ आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा, तो यहां पर कंफर्म है कि एमोलेड डिस्प्ले तो मिल ही मिली है। तो ओवरऑल ये स्मार्टफोन बहुत ही कमाल के होने वाले हैं। और गाइस लीक इमेज के अकॉर्डिंग साइड मेटलिक फ्रेम के साथ स्मार्टफोन आते हैं, तो गाइस ऑब्वियसली बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज्यादा प्रीमियम रहने वाली है। साथ में Realme X3 सीरीज के साथ आपको 4500mAh यानी 4500mAh तक की बैटरी के साथ 65W तक का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। और गाइस ये सीरीज BIS Geekbench ऑफिशियली Realme के सपोर्ट पेज पर भी लिस्टेड हो चुका है, तो डेफिनेटली ये डिवाइस आपको जून मंथ के अंदर कंफर्म इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएगा। और गाइस ये जो तीनों ही डिवाइस है ना, बजट से लेकर फ्लैक्सी डिवाइस होने वाले हैं, मतलब आपको 20,000 से लेकर 30,000 तक के अंदर देखने को मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा किल करने वाले सारी डिवाइसेस को। तो गाइस अब तक कितनी इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है Realme X3 सीरीज के बारे में, और जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट आती है, जैसे ही कोई फर्दर अपडेट आता है, चैनल पर सबसे पहले मिल जाएगा, तो उसके लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ अपने सुझाव या फिर सवाल नीचे कमेंट के अंदर पूछ सकते हो। तो बस यार मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।